हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11, सीक्वेंस सीरीज में हमने लास्ट क्वेश्चन नंबर 25 तक कंप्लीट कर लिया था। 26 में भी ऊपर एन दे रखा, नीचे भी एन दे रखा, वी हैव टू डू योर सॉल्व। देखो 27 करेंगे, 28 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे आज, बट प्रॉब्लम से 26 करा देंगे आपको। अगर आप सही 27 लें, ए फार्मर बाइस ए यूज ट्रैक्टर फॉर ₹12,000। एक फार्मर ने जो ट्रैक्टर यूज रखा था उसको ₹12,000 का खरीदा। He paid ₹6,000 for the cash and agreed to pay the balance in the annual installment of ₹500 plus 12% interest on the unpaid amount. How much will the tractor cost him pay? उसने कितने का पे खरीदा पहले? उसकी ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है? ओरिजिनल कॉस्ट ₹12,000। लेकिन उसने पूरा का पूरा 12,000 तो दिया नहीं, पहले उसने कितना दिया? कैश कितना दिया? कैश दिया उसने 6,000। तो अनपेड अमाउंट कितना रह गया? अनपेड अमाउंट यहाँ का 12,000 माइनस 6,000 कितना आ गया? रुपीज 6,000। क्लियर? 12,000 रुपीज ने पे किया कल या 6,000 उसने कैश पे कर दिया, तो कितना रह गया? 6,000 रह गया अनपेड। अब उसने बाकी जो है ₹500 की इंस्टॉलमेंट बांध ली हर मंथ की, और 12% के अंदर इंटरेस्ट दे रहे एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ एनुअल इंस्टॉलमेंट मान लिया। तो पहले उसने कितना दिया? 6,000 पे कितना परसेंट दिया? 12%। 12% ऑफ 6,000 प्लस फिर अगली बार कितना रहेगा उसका अमाउंट? ₹500 तो दे दिया प्लस इंटरेस्ट दे दिया, तो अगली बार उसका अमाउंट कितना रह जाएगा? 6,000 में से ₹500 माइनस कर दो, ₹5,500 रह गया अगले साल उसके, क्योंकि इसने जो इंटरेस्ट दिया वो अनपेड अमाउंट पे दिया है। ₹500 पहले साल दे दी तो अगले साल 5,500 रहेगा, फिर कितना लेंगे? 12% ऑफ 5,000। लास्ट इंस्टॉलमेंट कितनी की देगा? 500 की, 12% ऑफ 5,000। क्लियर? सब में से 12% कॉमन आ रहा है तो कॉमन निकाल, 12% ऑफ 6,000 प्लस 5,500 प्लस 5,000 प्लस 5,000। इसको रिवर्स कर लो सीरीज को, बात तो एक ही है, समय तो निकालना है मुझे। कितना देंगे? 500 प्लस 1,000 अप टू कितनी है? 6,000। कुल मिला के उसको 12 इंस्टॉलमेंट दे दिए, और उसको हर इंस्टॉलमेंट पे 12% का इंटरेस्ट भी दे रहा है, जो अन अमाउंट पेड उस बार में रह जाएगा। जैसे पहले साल में उसको 6,000 पे 12% देगा, अगले में 55,000 पे 12% देगा, अगले में 5,000 पे देगा 12%, रह जाएगा 12% ऑफ। इसमें सम का फॉर्मूला लग जाएगा, एन कितना है? 12 अपॉन 2 2a, ए कितना है? 500 प्लस 12 माइनस 1 इंटू डी कितना है? 500। ठीक है, इसका सम कितना आएगा? 12% ऑफ 12 अपॉन 2 कितना आएगा? 6,000। ये कितना आ गया? 1,100 आ गया। 11 × 5 कितना आएगा? 55। 55 और 1 कितना हो जाएगा? 65। 12% ऑफ 600 600 600 65 30 66 36 36 39। तो 12% ऑफ कितना आएगा? 3900। क्या आएगा आपका? 12% 12 × 39,000 अपॉन 100 परसेंटेज के लिए 100 का साइन लगा दें। कितना आ गया? 2 0 से 2 0 कैंसिल होगी, 12 9 10 108, 12 3 36 36 और 10 कितना आएगा? 46। इतना पैसा उसने इंटरेस्ट में दिया ₹4,680। तो टोटल कितना अमाउंट पे किया उसने? 12,000 प्लस 4,680 कितना आ गया? 16,680। तो उसने जो ट्रैक्टर लिया कितने का लिया? 16,680 का, अगर उसने इंस्टॉलमेंट लिया। ठीक है, देखो ट्रैक्टर की ओरिजिनल कॉस्ट ₹12,000 थी, उसने 6,000 रुपये कैश दे दिया, तो कितना बचा उसके पास? 6,000 रुपये देना उसने। अब वो हर साल 500 रुपये की इंस्टॉलमेंट देगा और प्लस 12% का इंटरेस्ट देगा, जितना उसका अनपेड रह जाएगा उस साल। तो पहले साल में उसने 6,000 रुपये 12% दिया, दूसरे साल में उसने 5,500 रुपये 12% दिया, हमें इंटरेस्ट निकालना हो, तीसरे साल में उसने 5,000 रुपये 12% दिया, और लास्ट साल में कितने पे देगा? 500 रुपये 12% दिया, 12% कॉमन आ गया ऑफ दिस। इसको AP को मैंने रिवर्स कर दिया, इसका सम निकाल लिया 12 टर्म्स का, कितना है?
4946 80, ये उसका इंटरेस्ट था क्या? और 12,000 रुपये उसने देने थे, पर 6,000 रुपये तो कैश दिए उसने, फिर 500 रुपये की इंस्टॉलमेंट दे रहा था, तो 6,000 हो गए, 6 और 6 12,000 हो गए, प्लस 4,660 क्या दिया इंटरेस्ट दिया, तो कितना पैसा दे दिया उन्हें, 16,680। क्लियर? तो आपको क्वेश्चन का कौन सा होगा 27 होगा, 28 सेम है, 28 यू हैव टू डू योरसेल्फ। क्लियर? 28 मैं नहीं करूँगा, 28 आपको खुद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 29। देखो क्वेश्चन नंबर 29 में क्या कह रहा है, 29 में कह रहा है कि ए पर्सन विद राइट्स अ लेटर टू फोर ऑफ हिज फ्रेंड्स। एक पर्सन अपने फोर फ्रेंड्स को लेटर लिख रहा है, मतलब एक ने चार फ्रेंड को लिखा, ही आस्क्ड ईच ऑफ देम टू कॉपी एंड द लेटर द मेल टू फोर डिफरेंट पर्सन। आगे वो जो चार है वो चार चार को लिख रहे हैं, तो एक ने चार को लिखा तो चार लिखने को लिखेंगे, एक ने चार को लिखा, दो ने चार को, तीन ने चार को, चार ने चार को, तो 16 हो गए। तो पहले ने एक ने फोर पर्सन को लिखा, अगला फिर 16 को लिखेगा, उससे अगला फिर कितने को लिखेगा, 60 को। ठीक है भाई, पहला पर्सन ने चार बंदों को लिखा, 1 2 3 4, वो कहता है हर कोई अब आगे चार चार को लिखेगा, मतलब ये चार को लिखेगा, फिर ये चार को लिखेगा, फिर ये चार को लिखेगा, फिर ये चार को लिखेगा, 16 कैसे नहीं, फिर ये लिखेंगे इस तरीके से, ये चार को लिखेंगे, ये चार को, ये चार को, 16 32 48 64। तो एक सीरीज बन गई हमारी, कौन सी सीरीज बनी है, जीपी की बनी। ये चेन कब तक चलानी है हमें, विद इंस्ट्रक्शन दैट दे मे मूव द चेन सिमिलरली, assuming that the chain is not broken, that the cost should be 50 paise to mail one letter. एक लेटर की कॉस्ट 50 पैसे है, फाइंड द अमाउंट टू स्पेंड ऑन द पोस्टेज ऑफ 8 सेट ऑफ द लेटर इन द मेल। 8 तरीके इस चेन जो बननी है 8 टाइम्स चलनी है, तो पहले मैं 8 चेन में देख लेता हूँ कितने लेटर पोस्ट हुए, जितने लेटर आएंगे उनका जो सम आएगा उसको मैं 50 पैसे से इनमें उनको मल्टीप्लाई, तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी। ए कितना दे रखा है फिलहाल, 4 है, आर कितना है, 16/4 कितना आएगा, 4 आएगा, एन कितना है, 8, आर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, तो जीपी में सम का फॉर्मूला लगेगा आपका एस इक्वल टू ए आर की पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 4। एस सम कितने कितना है, 4, 4 की पावर कितना है, 8 माइनस 1 अपॉन कितना है, 4 माइनस 1, तो ये देखा 4 इंटू 4 की पावर 8 कितना होगा, 4 की पावर 8 कैलकुलेट करना पड़ेगा, ये वैसे आ जाएगा 65536 माइनस 1 अपॉन 3, 4 की पावर 8 कैलकुलेट करेंगे कितना आ जाएगा, 4 इंटू 655 मल्टीप्लाई कर दे तो कितने लेटर आ गए टोटल हमारे पास, 87380, ये टोटल लेटर आ गए, लेकिन हमें क्या करना है, कॉस्ट निकालनी है, एक लेटर की कॉस्ट कितनी है, 50 पैसे, तो कॉस्ट आ जाएगी आपकी 87380 इंटू 50, पैसे को रुपीज बदलूंगा आप 100 करूंगा, तो ये 2 0 से 52,500 2 4 8 2 3 6 1 6 2 6 12 2 8 2 9 18 43,690। क्लियर सर? मैम स्टार्टिंग में इनिशियल में उसने 4 लेटर लिखे एक ने, फिर इसने कहा कि हर पर्सन 4 4 को लिखेगा, तो 1 ने 4 को लिखे, 2 ने 4 को, 3 ने 4 को, 4 ने 4 को, तो नेक्स्ट 16 है, फिर 64 है, अब तो कितने टर्म तक है, 8 टर्म तक सीरीज बनी, तो ए कितना है, 4 है, आर कितना है, आर आपका 4 है, एन कितना है, 8, तो आ जाएगा 4 × 4 की पावर 8 − 1 / 4 − 1, कितना आ गया, 87380 लेटर, कॉस्ट निकालने के लिए इंटू 50/100 कर दिए, तो कितना आ गया, 43,690। फिर तो कौन सा क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर आपका 29। क्लियर है? ये वर्ड प्रॉब्लम है आपकी सीक्वेंस की, क्वेश्चन नंबर 29। नेक्स्ट क्वेश्चन करें क्वेश्चन नंबर 30 में कह रहे हैं, ए मैन डिपॉजिट 10,000 इन अ बैंक एट इंटरेस्ट ऑफ 5% सिंपल इंटरेस्ट एनुअली। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है SI इक्वल्स टू P * R * T / 100। फाइंड द अमाउंट ऑफ 15th ईयर एट द एंड ऑफ डिपॉजिट अमाउंट एंड द कैलकुलेट द टोटल अमाउंट आफ्टर 20th ईयर। तो 15th ईयर में तो आएगा A + 43,
और आफ्टर 20 20 साल बाद होने के बाद 15 ईयर के बाद आता तो ए प्लस 16 15 डी आता। उसने बोला कि 15 ईयर का मतलब 14 ईयर कंप्लीट हो गए और आफ्टर 20 में 20 ईयर कंप्लीट हो गए। तो पहले उसने अमाउंट कितना इन्वेस्ट किया है प्रिंसिपल जो दे रखा है वो 10,000 रुपये, ठीक है। कितना इंटरेस्ट ले रहा है 5% इंटरेस्ट ले रहा है। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। पी कितना है 10,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 5, टी कितना है अपॉन 100, कितना आ गया रुपीज 500 है। मतलब हर साल 500 रुपये का इंटरेस्ट ले रहा है और सिंपल इंटरेस्ट सेम मिलता है। 10,000 रुपये अगर आपने जमा कर दिया तो पहले साल 500 रुपये मिलेगा, अगले साल भी 500 ही मिलेगा, अगले साल थर्ड ईयर भी 500 मिलेगा। सिंपल इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट नहीं मिला करता, जो हमारा प्रिंसिपल होता है उसी पे इंटरेस्ट मिलता है। तो आफ्टर 15 ईयर कितना आएगा ए प्लस 14 ईयर, जो उसका प्रिंसिपल है वो तो रहेगा ही रहेगा, प्लस 14 इंटू 500 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 17,000। तो 17,000 और आफ्टर 20 ईयर कितना होगा, आफ्टर 20 रहेगा ए प्लस 20 तो कितना जाएगा 10,000। तो उसका प्रिंसिपल है वो तो उसका रहना ही रहना, एक साल में 500 रुपये का इंटरेस्ट मिल जाए तो 20 साल में कितना मिलेगा, 20 साल में 10,000 रुपये का इंटरेस्ट मिल जाएगा, कितना आ गया 20,000, ठीक है। 15 साल में तो उसको मिलेगा 17,000 रुपये, बल्कि 15 साल के बीच में मतलब 14 साल कंप्लीट होंगे, और आफ्टर 20 कितना देगा 20,000 रुपीज़ आते हैं, हर साल 500 रुपये का इंटरेस्ट मिलता है, सीधे सीधी बात है। यार क्वेश्चन नंबर 30 क्लियर यहाँ तक, सिंपल क्वेश्चन है मिस्टर। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 32 31 करें, क्वेश्चन नंबर 31 देखो 31 में क्या कह रहा है, 31 में कह रहा है ए मैन्युफैक्चरर रिकॉर्ड्स द वैल्यू ऑफ द मशीन व्हिच कॉस्ट इज रुपीज 15,650, मशीन की कॉस्ट दे रखी है, विल डेप्रिशिएट एवरी ईयर 20%, हर साल उसकी वैल्यू कितनी कीमत कम हो रही है 20% कम हो रही है। फाइंड द अमाउंट ऑफ एस्टिमेट वैल्यू एट द एंड ऑफ 5 ईयर, 5 साल बाद उसकी कितनी कीमत कम हो जाएगी, कितनी कीमत रह जाएगी पूछे। देखो कितने परसेंट डेप्रिशिएट हो रही है 20% डेप्रिशिएट हो रही है, ठीक है। तो रहेगी कितनी वैल्यू उसकी 80% रह जाएगी ना, कितनी आ जाएगी जो टोटल वैल्यू उसका 80% मतलब डेप्रिशिएट हो रहा है आपका, डेप्रिशिएट आपका हो रहा है 20%। तो कॉस्ट ऑफ मशीन कितनी रहेगी, क्योंकि 20% तो कम हो गई हर साल, तो कितनी रह गई हर साल 80% रह गई, मतलब जो टोटल कॉस्ट है उसका 80% अगले साल हो गया। मतलब आज अगर कोई चीज़ आप खरीद के ला रहे हो 15,625 की, नेक्स्ट ईयर आपको बेचनी है तो उसकी वैल्यू 20% कम हो जाएगी, तो कितनी रह जाएगी 80% रह जाएगी ना, तो 56,285 का 80% निकाल दो, उतने की वैल्यू आप दूसरे को दे दोगे। फिर अगले साल जितने की रह जाए जितने जितने आया उसका 80% फिर अगले साल रह जाएगी वैल्यू। मतलब जैसे सपोज करो आपने 10,000 रुपये को चेंज कर दी तो इसका 80% कितना हो जाएगा इंटू 80/100 कितना आ जाएगा 10,000 8,000। फिर अगले साल कितनी रह जाएगी इसकी कीमत इंटू 80/100 कितनी रह जाएगी 60/100। फिर अगले साल इसका 80%, तो जितना रह रहा है उसका 80% रह जाता है एक, ठीक है 20% कम हो जाता है उसका। तो उसने पूछा है कि कितने साल बाद व्हाट विल बी द वैल्यू आफ्टर द एंड ऑफ एस्टिमेटेड वैल्यू एंड ऑफ 5 ईयर, तो 80% कितना हो गया 18/100 4/5 रह जाती है उसकी वैल्यू, मतलब की तो एस्टिमेटेड वैल्यू आफ्टर 5 ईयर आफ्टर 5 ईयर 1,625 है, पहले साल कितनी कम होगी उसकी 4/5, फिर अगले साल 4/5, फिर अगले साल 4/5, फिर अगले साल 4/5, फिर अगले साल 4/5,
पाँच साल पर मैंने उसको 4x5 × 4x5 कर दिया, जो वैल्यू होगी उसका 80% करना, 4x5 करा, फिर जो आएगा उसका 4x5 बार बार क्यों दिखा रहा हूँ, एक साथ दिखाया तो कितना आ जाएगा, 5,120, इतने की मशीन खरीद के लाया था, हर साल 20% का डेप्रिसिएशन हो रहा था, तो उसकी कीमत 80% रह गई थी, मतलब 4x5 जितनी कीमत है उसका 4x5, पहले साल कितनी गई 1,562 × 4x5, फिर जो आंसर आएगा उसका 4x5, फिर जो आंसर उसका 4x5, जो पांच बार 4x7 मिल गया, कितने रह गए 5×2 = 0। क्वेश्चन नंबर 32 इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एग्जांपल 21, 22, 23, 24। नेक्स्ट करें क्वेश्चन नंबर 32। 32 में क्या कह रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज का, 150 वर्कर्स एंगेज टू फिनिश अप जॉब इन सर्टेन नंबर ऑफ डेज, 150 बंदे किसी काम को पूरा कर रहे हैं कुछ नंबर ऑफ डेज में, 4 वर्कर्स ड्रॉप ऑन द सेकेंड डे, सेकेंड डे 4 वर्कर कम हो गए, तो 150 में से 4 गए तो कितने बचे 146, 4 वर्कर ड्रॉप ऑन द नेक्स्ट थर्ड डे फिर 142 बचे, एंड सो ऑन द, इट टुक 8 मोर डे टू फिनिश द पीस ऑफ वर्क, फाइंड द नंबर ऑफ डेज इन विच द वर्क इज कंप्लीटेड, लेट नंबर ऑफ डेज कितना है, नंबर ऑफ डेज इन विच 150 वर्कर कंप्लीट वर्क कितना है, एक्स डेज, अगर 150 के 150 वर्कर लगे रहे हैं तो कितने डेज में पूरा होता है 150 वर्कर्स में, तो कितना काम हो जाएगा 150 × x, है ना। आप अगर सपोज करो पहले दिन में तो 150 बंदों ने काम किया, अगले दिन कितने काम बंदे गए 146, फिर अगले दिन कितने बंदे रह गए 142, अगले दिन कितने रह गए 130, तो काम 8 दिन ज़्यादा चला, ये तो कह रहे हैं इट टुक 8 मोर डेज टू फिनिश, तो पहले अगर एक्स डेज लगे तो कितने दिन लगे, एक्स प्लस 8 डेज लगे, काम तो पूरा हो गया ना, अगर पहले 150 वर्कर लगे थे तो काम एक्स डेज में पूरा हो रहा था, तो टोटल काम कितना हो गया 150 × x, अगर वर्कर 8 दिन 4 कम हो रहे हैं तो 8 दिन ज़्यादा लग रहे, तो उसका भी सम निकाल लो, पर दोनों को इक्वल करो, देखो सीरीज बन गई, क्या बनी है, ए पी बनी, जी पी बनी, ए पी बनी, तो इसका सम कितना होगा 10/2 एक्स प्लस 8/2, क्योंकि 8 दिन ज़्यादा लगे, a n/2 ए ए कितना है 150 प्लस n-1 × 2 8 + n-1 × 2 कितना है, पूरा है माइनस, पूरा है माइनस के पूरा, कितना आएगा एक्स प्लस 8/2 या जाएगा 300, कितना आएगा माइनस का 4x 70 माइनस का 20 या जाएगा एक्स प्लस 8/2 300 में से 28 जाएगा तो कितना बचेगा 272 माइनस 4x, 2 कॉमन निकाल लेते हैं, कितना आएगा एक्स प्लस 8/2 टोटल वर्क भी निकाल दो, अगर 150 वर्कर्स कर रहे होते तो कितना आता 150 × x आता, दोनों को मैंने इक्वल कर दिया, तो आ जाएगा आपका 136x माइनस के 2x² प्लस कितना है 86 से कितना होता है 48, 8 क्या 24 और 4 कितना है 28, 8 × 2 कितना है 10 प्लस माइनस का 16x,
तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, ये चला जाएगा 2x स्क्वायर 136 में से 16 गया तो कितना बचा 120, इधर आएगा कितना जाएगा 20 माइनस के 20x 120 30x माइनस का 108 2 से डिवाइड करेंगे x स्क्वायर माइनस का 15x माइनस के 544 मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए 544 सबट्रैक्ट करने पर 544 के फैक्टर कर लेते हैं 2 × 4 = 1 × 2 = 7 × 4 2 × 6 = 8 2 × 6 = 12 2 × 6 = 14 2 × 6 = 8 2 × 6 = 4 = 7 × 32 = 17 x स्क्वायर प्लस के 32x माइनस प्लस 17x माइनस के 54 क्लियर 10 का 30x लेकिन 32x माइनस 17 तो आंसर आ गया x प्लस 32x माइनस 17 x प्लस 32x कितना है माइनस के 32 मिल जाएगा x माइनस 17 इक्वल टू 0 तो x कितना है 17 तो नंबर ऑफ डेज कितने लग जाएंगे x प्लस 8 नंबर ऑफ डेज आ गए 17 प्लस 8 कितना है 25 डेज देखो अगर 150 वर्कर्स काम कर रहे हो तो 17 दिन में काम पूरा हो जाता और अगर अब इतने वर्कर कर रहे हैं तो कितने दिन लगे 25 डेज अगर x वर्कर 150 वर्कर्स काम कर रहे हो तो x दिन में काम पूरा हो जाता तो उनका काम कितना होता 150 * x काम का समय और अगर पहले दिन में 150 वर्कर ने काम किया दूसरे दिन में 4 वर्कर कम हो गए 146 तीसरे दिन फिर 4 कम हो गए 142 फिर नेक्स्ट डे फिर 4 कम हो गए तो 8 दिन ज़्यादा लगे तो x प्लस 8 आ गया तो यहाँ के सम इसका 150 वर्कर और 150x इसका आएगा x प्लस 8 अपॉन 2 300 माइनस का 4x माइनस 28 तो यहाँ देगा आपका 150x x प्लस 8 अपॉन 2 272 माइनस 4x यहाँ के x प्लस 8 अपॉन 2 इंटू 2 कॉमन आ गया क्वाड्रेटिक बन के सॉल्व आ गया आंसर है माइनस के 32 और प्लस के 17 माइनस के 32 को नेग्लेक्ट कर देंगे प्लस के 17 कंसीडर कर लेंगे तो नंबर ऑफ डेज कितने लगे उसे 8 प्लस एक्स कितना 8 प्लस एक्स 17 प्लस 8 कितना 25 क्लियर तो ये आपकी मिसलेनियस में बस एक क्वेश्चन रह गया वो अपने ट्राई करना नहीं होगा तो जाना सॉल्व क्लियर थैंक यू